Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good morning, everybody. Today, 27th of October 2018. Aaj, itifaq se subah subah, mujhe Nowhera Shaikh ke defense lawyer Vineet Dhanda ka interview jo siyasat mein aaya hai, usko dekhne ka mauka mila. Aur उसकी जो है फेसबुक पर उसकी तस्वीर भी सुनने को मिली है देखने को मिली है ना. अकॉर्डिंग टू मिस्टर विनीत दादला ही सेज हैदराबाद पुलिस एंड तेलंगाना गवर्नमेंट टू फेस सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर कॉलिंग नौहीरा शेख ए नोटोरियस क्रिमिनल वांस विनीत दादला द फेमस सुप्रीम कोर्ट लॉयर एंड डिफेंस काउंसिल. Facts uncovering one by one, Nowhera Shaikh has informed police that she is in Delhi for meetings with Election Commission. But police has said that she went to Delhi to flee. And Hyderabad police acted and arrested in Delhi, a fabricated lie by Hyderabad police. Yes, this was the stand taken by Vineet Dhanda in the Hyderabad Metropolitan Sessions Judge Court that मेरी क्लाइंट को फ़ोन किया जाता है कि मैडम आप कहाँ हैं, और फिर जो है उससे धोखे से जाके पकड़ा जाता है. ये फैक्ट है. और इंटरव्यू में भी विनीत धांधला ने ये कहा कि ये फैक्ट है. मगर ये फैक्ट ये है कि नौहीरा शेख आपकी क्लाइंट नेपाल के ज़रिए हैदराबाद हिंदुस्तान छोड़ के भागने वाली थी, और जो है वहाँ जाके उन्हें दबोचा गया है. मिस्टर विनीत धांधला, क्या आपके क्लाइंट को या फिर आपको यह नहीं मालूम था कि हैदराबाद में और दूसरी जगह कई जगह FIRs और कंप्लेंट्स हो चुके हैं, ताकि ये जो है कंप्लेंट्स होने के बाद इंक्वायरी स्टार्ट हो चुकी है? आपको ये नहीं मालूम था, या फिर आप इतने मासूम थे, या फिर आपके कानों में डट्टे लगे हुए थे कि जो है प्लग्स लगे हुए थे आपके कानों में, क्योंकि आपको ये मालूम नहीं था कि पुलिस आपको कभी भी तलब कर सकती है? फ़ोन आया तो पुलिस से जब फ़ोन आया तो आपको ये एहसास नहीं था कि जो है मुझे जो है बहुत संगीन जुर्मों में सेक्शंस के अंडर में वेरी सीरियस सेक्शंस ऑफ लॉ के अंदर मुझे बुक किया गया है. सो योर फैब्रिक इट इज योर फैब्रिकेटेड स्टोरी दैट यू वर जस्ट अरेस्टेड, योर क्लाइंट वॉज अरेस्टेड फ्लिम्सी स्टोरीज. वन मोर थिंग आई वॉन्टेड टू टेल यू इज दैट पब्लिक, आप भी जो है इन्वेस्टर्स, आप भी इस चीज से बहुत आगाह हो जाइए, आप भी इस बात को सुनिए. विनीत दांडला ने अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि स्कीम्स के बारे में इत्तला ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, उनका स्कीम्स क्या होती है पता ही नहीं है, उसके वजह से जो है उस बस बगैर समझ के कुछ समझ के पैसा हमको चाहिए, लॉक इन पीरियड के पहले पैसा चाहिए, फलाना वक्त पैसा चाहिए. Police acted without reading or without understanding the terms and conditions of investors' agreement. The plaintiff, the complainant, had deposited money in May and applied for withdrawal in June, despite the agreed term of 1 year lock-in period. Terms and conditions, the Hira Group ke 1 year lock-in period, 45 days ke baad certificate dena, member dena. Is it a gospel truth? Kisi ka jo hai कोई बाइबल या कुरान या किसी हिंदुस्तान के किसी भी कानून की किताब में लिखा हुआ है कि ऐसा करना चाहिए? आई विल कॉल दैट एज ए फोर्स्ड टर्म, ए डिसीविंग टर्म, विल नॉट स्टैंड अ स्क्रूटनी ऑफ लॉ. आप किसी के ऊपर भी जबरन जबरदस्ती किसी कोई भी कानून कोई भी टर्म आप किसी के ऊपर भी लाद देंगे और वो मान लेंगे? इज योर कंपनी, इज योर बिजनेस ऑथोराइज्ड बाय एनी गवर्नमेंट एजेंसी? Are you regulated by any authority of India? No, you are running a Ponzi scheme under the guise of a limited and a private limited companies. Aap ek chor, safed kapde pehen kar, just company register kara ke aapne ek chor, aapki company ne ek chori ka kaam kiya hai, public ko dhoka diya hai. किसी भी आपके किस्म के जो investments, आपकी schemes, आपके terms, आपके laws कहीं भी टिकने वाले नहीं है. ये आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं. यू नो दिस वेरी वेल. इट इज अ फोर्स्ड क्लासेस विच डज नॉट स्टैंड अ स्क्रूटिनी ऑफ लॉ फॉर इवन 1 मिनट.
If you are being regulated by Security Exchange Board of India to collect investments, monies in terms of profit sharing, then yes, there is some substance in your talk. Or if you are regulated by Reserve Bank of India to collect investments on a debt, then you have a substance. If you are regulated by Forward Market Commissions of India that you can trade in gold or any other commodity and take investments or take monies for a speculative trading and earn profits, then you stand. You are not regulated by any of these three institutions, regulators, Forward Market Commissions of India, Security Exchange Board of India or Reserve Bank of India. And you call that they do not understand my terms and conditions. Bullshit. It is a pure bullshit. Your terms and conditions are nothing but a waste bathroom papers. Time will only tell you. You know, time will only tell you. And the third point is that you have put a defamation case on a particular political leader. And because that case is coming up for hearing and this case is a cover-up, साहब आप भी एक एडवोकेट है किस कौन से इयर्स के जो है केसेस अब टेकअप किए जा रहे हैं और जुडिशरी इस चीज को कैसे नजरों से देखती है यू नो इट वेरी वेल टू द पब्लिक लेट मी टेल यू विनीत ढांडला हैज एडवाइज हिज क्लाइंट्स टू पुट 100 करोड़ केसेस ऑन पीपल हु आर टेलिंग अगेंस्ट इट स्पेंडिंग इन द प्रोसेस अबाउट ए करोड़ प्लस एज ए कोर्ट फीस ये करोड़ रुपए का जो कोर्ट फीस दिया जा रहा है कोर्ट में डिफेमेशन केस फाइल करने से किसका पैसा है इन्वेस्टर्स का पैसा है यू थिंक दैट यू नो फाइलिंग अ डिफेमेशन सूट फॉर 100 करोड़ एंड पेइंग अ ह्यूज फीस एज अ कोर्ट फीस यू आर गोइंग टू अर्न नेम्स लेट मी टेल यू मिस्टर विनीत ढांडला आई एम नॉट ए ग्रेट लवर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई एम नॉट एनी वे कनेक्टेड विद पॉलिटिक्स But do you think the MIM party in Hyderabad needs this kind of a thing to defame a party which is just not even 1 year old? Where your party has contested in the Karnataka election and did not even secure one seat? Did not even save the deposits amounts? You think? जब वो योर पार्टी वर्थ एनी नेम के बारे में इंक्वायरी करने गए योर पार्टी कैंडिडेट्स ने ये पता चला कि डॉक्टर नोवेरा शेख इन बैंगलोर सुबह ही वेयर यू आर वेंटिंग टू क्वाश द क्रिमिनल केसेस इन द हाई कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैज डिसमिस्ड योर केस एंड देन यू वेंट इनटू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट और पुलिस ने टू क्वाश दैट पर्टिकुलर एफआईआर बाय द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स द सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट इन ए मूड टू अलाउ विनीत ढांडा ने एंड वाज इन द वर्ज ऑफ डिसमिसिंग योर केस And then you requested उन्होंने कहा कि डॉक्टर नोवेरा शेख to consider the application as withdrawn rather than dismissed. के ऊपर हैबियस कॉर्पस का मुकदमा दर्ज करेंगे फॉर एमआईपी महिला एम्पावरमेंट पार्टी व्हिच इज चीटेड द कैंडिडेट्स व्हिच इज नॉट इवन सिक्योर्ड 1% ऑफ द वोट ऑन द होल ऑफ कर्नाटक एंड यू एक्सपेक्ट दैट योर क्लाइंट्स पार्टी विल स्टैंड इन इलेक्शन एट तेलंगाना एंड विल गिव अ सीरियस थ्रेट टू एमआईएम No, MIM can, no party can give a serious threat to MIM of your stature. Parties like Congress, BJP, Telugu Desam has the capacity to give some contesting power to MIM. Not parties, there are small parties more of age than you. 10 साल 15 साल पुरानी पार्टी से मुस्लिम पार्टी भी है उनसे इनको थ्रेट नहीं होता कि आप ये जो है 6 महीने साल भर की पार्टी से बहुत बड़ा थ्रेट हो गया इट्स अ लाफेबल स्टेटमेंट इट्स अ हिलेरियस स्टेटमेंट इट जस्ट गोस टू शो व्हाट इज द डेप्थ ऑफ योर नॉलेज एंड एनालिसिस विनीत ढांडला जब मैंने आपका नाम पढ़ा था मैं सोचा था कि जो है वाकई में कोई समझदार और जो है अकलमंद प्रोफेशनल लॉयर है बट आई एम सॉरी टू से योर आई थिंक यू नो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट एंड टू द जनरल पब्लिक दैट द डिफेंस लॉयर ऑफ नोहेरा शेख व्हाट एवर डिफेंस लॉयर ही इज इट इज हिज सेकेंडरी ड्यूटी to the Hira group his primary engagement secondary engagement with the Hira group it is the primary engagement with Hira group that I will say right now
that Vineet Dhanda and his associates or his people are involved primarily with Hira Group promotion and his scam. His interest into the Hira Group goes beyond being a defense lawyer of the group. He has a primary interest. We have evidence nailing him that he has acted beyond the legal advisor or the defense lawyer of the group and facilitated sham dealings of this group, earning illicit monies, illicit gains. He has earned illicit gains. I suppose Mr. Vineet Dhanda is hearing me properly and understanding what I'm trying to tell him. Now, Mr. Vineet Dhanda and Hira Group, आपने 100 करोड़ के defamation केस तो कई डाले हैं, आप मुझ पर डालिए defamation केस और वो भी 10 रुपए का, सिर्फ 10 रुपए का, यही औकात है आपके ग्रुप की, सिर्फ 10 रुपए, जो कभी एक भिखारी मंदिर के सामने या मस्जिद के सामने खड़े रहता है और कहता है, अल्लाह के नाम पे मुझे 10 रुपए दे दीजिए, he invokes religion, वो मजहब का नाम लेता है, खुदा का नाम लेता है, और उसको 10 रुपए भीख में लेते हैं, आपने भी मजहब, आपकी क्लाइंट ने भी मजहब का नाम, अल्लाह का नाम लिया है और लोगों से करोड़ों रुपए लूटा है, मैं ये कहता हूं कि आपके ग्रुप की औकात 10 रुपए की है, वो 10 रुपए का डिफेमेशन केस मुझ पर डालिए और फिर मैं बताता हूं आपको कि कानून क्या चीज होती है, लॉ क्या चीज होती है, आप जो है इंग्लैंड यूके की जो है बार काउंसिल के मेंबर है, यूएस के बार काउंसिल के मेंबर है, काफी बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, डोंट यू थिंक दैट योर शैम डीलिंग्स एंड योर इलिसिट मनी अर्निंग्स और getting benefits of this sham group will not affect your applications or memberships at there. Let us, you know, write to these people with your videos, audios, your earlier photos, your accounting trails, the money trails that went to you and your associates. Let us inform this to the bar associations and let me see how you save your membership, dear. Mr. Vineet Dhanda, you are smart enough. Others are not fools. I would call you are not smart enough. You are street smart. हमारे हैदराबादी लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं? चिंदी चोर, सड़क छाप. समझे? बाबा ये हैदराबाद है ये. आपका मुंबई नहीं है, जहाँ जो है रस्ते में जो है कुछ चीज़ बोल दे और कहीं निकल जाए. यहाँ के लोग बहुत मासूम हैं, मगर जब समझ में आती है ना, तो फिर यहाँ के लोग, हैदराबाद के लोग, फिर क्या चीज है आपको बता देंगे. यू आर नॉट स्मार्ट मिस्टर विनीत धांधला, यू आर स्ट्रीट स्मार्ट. आपकी स्ट्रीट स्मार्टनेस पता चल गई है, जो आपके नाक के नीचे से आपकी क्लाइंट को बम्बई वाले उड़ा के लेकर गए. तो मिस्टर विनीत धांधला, प्लीज आई एम अवेटिंग योर 10 रुपीज डिफॉर्मेशन सूट, विच इज द एक्चुअल वैल्यू एंड द फैक्ट ऑफ योर क्लाइंट. And again, I repeat, your engagement with Hira Group, your legal engagement with Hira Group is a secondary engagement. Your primary engagement with Hira Group is your sham dealings, facilitating sham deals and earning monies, illicit money out of that group, which is nothing but the monies of the pure, poor, innocent investors. Let us see what unfolds now. Thank you.